हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्रॉम फूड। मैं प्रगति पंडित आप सबको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर जा रही हूँ, कढ़ी मुठिया की रेसिपी। तो चलिए हम सबसे पहले मुठिया की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ लौकी, जिसे मैंने कद्दूकस करके रख लिया हुआ है। 50 ग्राम्स कद्दूकस किया हुआ लौकी है। हरा मेथी और हरा धनिया, उसे भी मैंने बारीक कट करके ले लिया है। इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर आधा चम्मच, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, क्रश किया हुआ अजवाइन, सफेद तिल डालेंगे एक चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला डालूंगी, धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसमें मैं, एक हाफ कटोरी का आटा ले रही हूँ, बाजरे का आटा लेंगे एक कटोरी, ज्वारी का आटा आधा छोटी कटोरी में, बेसन डाल रही हूँ इसमें, मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ इसमें, मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ मैं, एक नींबू का रस वो डाल रही हूँ मैं, चुटकी हींग भी डाल रहा है मैंने, एक चुटकी हींग है फ्रेंड्स। और आप चाहे तो इसमें आप इनो या खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगा तो हम डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आटा लगा लेते हैं हम। ओके, देखिए आटा तैयार है हमारा फ्रेंड्स। ज़्यादा हमें कड़क आटा नहीं लगाना है, मीडियम डो लगाना है, जिससे इसे अच्छी तरह से हम स्टीम कर सकें। एक चम्मच तेल डालेंगे थोड़ा सा फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और अब हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स लेंगे दही, एक कटोरी खट्टी दही मैंने लिया है वो डाल रही हूँ मैं, उसके बाद 4 से 5 चम्मच बेसन लिया है मैंने वो डाल रही हूँ। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दही खट्टी होनी चाहिए कढ़ी के लिए, गुजराती कढ़ी है ये। डालेंगे अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है ये, 5 से 6 करी पत्ती लिया है मैंने, 2 हरी मिर्च कट करके लिया है, और 2 लहसुन की कलियां डालेंगे। अच्छी तरह से ये पीस चुके हैं, बस बाकी चीज़ें अभी सब मैं इसमें डाल देती हूँ मिक्सचर को हमारे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, अब इसमें पानी डालेंगे और इसे बॉईल करने के लिए हम सीधे चढ़ा देंगे गैस पे, फ्लेम पे। इसमें पानी मिक्स कर लेती हूँ मैं, 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं। आधा चम्मच फ्रेंड्स इसमें मेथी भी डालेंगे हम, ये बॉईल होने के बाद इसमें हम अलग से तड़का मारेंगे। इसे इस तरह से हम एक बार चला लेंगे गैस के फ्लेम पे रखने के बाद, इससे गुठली न बने कहीं पे भी। स्वाद अनुसार नमक डालें, शक्कर भी डाल रही हूँ। एकदम अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, देखिए फ्रेंड बॉईल आ चुका है अच्छी। 2 मिनट और इसे पकने लेते हैं और इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं कढ़ी के। तो कढ़ी का तड़का करने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच तेल ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 2 लवंग, दालचीनी 1 इंच, 2 लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और कड़ी पत्ता भी डालूंगी फ्रेंड्स। हाँ, तड़का एकदम अच्छी तरह से तैयार है, अब इसे मैं कढ़ी में डाल दे रही हूँ। कढ़ी एकदम अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, इसे साथ में तड़के के साथ भी बॉईल होने देंगे। ये कितना अच्छा है, बन गया है हमारा कढ़ी, बन चुकी है। अब इसे गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। 15 से 20 मिनट हमारे आटे को भी सेट हुए हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसके हम मुठिया बना लेते हैं, आपको जैसे बनाने वैसे बना सकते हैं, बड़े या छोटे, मैं मीडियम बना रही हूँ। और मैंने एक स्टीमर में मैंने ऐसे तेल लगा के रख लिया है। इस तरह से मैं ऐसे मुठिया बना के सब रख लूँगी। स्टीम होने के लिए मुठिया को चालन में बना के रख लिया है।
मैंने टोप में पानी भी बॉईल करने के लिए जो है बॉईल हो चुका है, इसे हम स्टीम होने के लिए ऐसे बना देते हैं और इसे ढक देते हैं प्लेट से और ढक देते हैं। अब हम मुठिया भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए बीच से फट गया है, मतलब मुठिया पक चुका है हमारा। एक बार फॉक डाल के भी देख लेते हैं। देखिए एकदम अच्छी तरह से साफ निकला है, तो मतलब हमारा पक चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मैंने ऐसे गोल गोल टुकड़ों में ऐसे करके कट कर लिया है पीसीज में। और चाहे तो आप इसे बिना तड़के भी लगाए भी नहीं ऐसे ही खा सकते हैं। इसे तड़का लगा कर और टेस्टी बनेगा। तो अब इसे हम तड़का लगा लेते हैं मुठिया में। 4 चम्मच तेल लिया, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच राई डालेंगे, ऐसे थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे और हमारा मुठिया बनकर तैयार है। ऐसे हम लोग हल्के हाथ से चला लेंगे और गैस का फ्लेम भी बंद कर देंगे। मुठिया हमारा कितना अच्छा बनकर एकदम तैयार हो चुका है। आई होप मेरा कड़ी मुठिया की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल फन फ्रॉम फूड।